नमस्कार, दिल्ली एनसीआर की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उसके पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारामन ने आज देश का आम बजट किया पेश। बही खाते के बजाय स्वदेशी केबल के जरिए बजट हुआ पेश। मौके पर वित्त मंत्रालय ने एक ऐप किया लॉन्च। किसानों का आंदोलन लगातार जारी। आंदोलन के बीच बजट पर भी किसानों की निगाह। राकेश टिकैत ने कहा सरकार को बजट में कृषि पर फोकस रखना चाहिए। दिल्ली की सीमाओं पर बढ़ रहा किसानों का आंदोलन। गाजीपुर बॉर्डर पर उमड़ रही किसानों का हुजूम। ट्रैको में राशन भरकर पहुंचे किसान। दिल्ली एनसीआर में अभी और बढ़ेगी ठंड। अगले कुछ दिनों में सुबह छाया रहेगा कोहरा। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया है। ये मोदी सरकार का तीसरा बजट है। इस बार वित्त मंत्री की बही खाते के बजाय स्वदेशी टेबल के जरिए बजट पेश किया। वहीं वित्त मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके जरिए देशवासी और सांसद के सदस्य बजट दस्तावेजों को देख सकते हैं। इस बार वित्त मंत्रालय ने बजट में 6 स्तंभों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला स्तंभ है स्वास्थ्य एवं कल्याण, दूसरा स्तंभ है भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा स्तंभ है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा स्तंभ है मानव पूंजी और नवजीवन के संचार करना, पांचवा स्तंभ है नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, छठा स्तंभ है नवनूतन सरकार और अधिकतम शासन। आपको बता दें कि बजट के दौरान 75 साल के ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को ITR ना भरने को प्रावधान किया गया है। विवादों को खत्म करने के लिए समिति का गठन होगा। फैसले समिति बनाई जाएगी। 75 साल के ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को ITR भरने की आवश्यकता नहीं होगी। 75 साल से ऊपर के पेशधारियों को टैक्स में छूट दी जाएगी और NRI को छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि बजट पेश किया गया है। निर्मला सीतारमण ने इस दौरान बजट पेश किया है और इस दौरान 75 साल से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों और ITR ना भरने का प्रावधान किया गया है। 75 साल से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को ITR भरने की आवश्यकता नहीं होगी। 75 साल के ऊपर पेंशनधारियों को टैक्स में छूट मिलेगी। NRI में छूट, विदेशी रिटायरमेंट अकाउंट के सीरीकरण के जरिए नियम बनाए जाएंगे। 1 करोड़ से ज्यादा IT में छूट मिलेगी। मोदी सरकार का यह तीसरा बजट है। इस बार वित्त मंत्रालय ने बही खाते के बजाय स्वदेशी टेबल के जरिए बजट पेश किया है। वहीं वित्त मंत्रालय ने ऐप भी एक लॉन्च किया है जिसके जरिए देशवासियों और सांसद को सदन में बजट दस्तावेजों को देख सकेंगे। इस बार वित्त मंत्रालय ने बजट के 6 स्तंभों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला स्तंभ है स्वास्थ्य एवं कल्याण, दूसरा स्तंभ है भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा स्तंभ है आकांक्षी भारत के लिए समावेश विकास, चौथा स्तंभ है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, पांचवा स्तंभ है नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, छठा है नवनूतन सरकार और अधिकतम शासन। We have revamped the post-matric scholarship scheme for the welfare of scheduled caste students. I have also enhanced the central assistance in this regard. We are allotting 35,219 crores for 6 years till 25-26 to benefit 4 crore scheduled caste students. Skilling. In 2016, we had launched the National Apprenticeship Promotion Scheme. The government proposes to amend the Apprenticeship Act with a view to further enhancing apprenticeship opportunities for our youth. We will realign the existing scheme of National Apprenticeship Training Scheme for providing post-education apprenticeship training of graduates and diploma holders in engineering. Over 3,000 crores will be provided for this purpose. An initiative is underway, Honorable Speaker,
in partnership with the United Arab Emirates to benchmark skill qualifications, assessment and certification, accompanied by the deployment of certified workforce. We also have a collaborative training intertraining program between India and Japan to facilitate transfer of Japanese industrial and vocational skills, techniques and knowledge. We will take forward this initiative with many more countries also. Innovation and R&D. In my budget speech of 2019, I had announced the National Research Foundation. We have now worked out the modalities, and the NRF outlay will be of 50,000 crores over 5 years. It will ensure that the overall research ecosystem in the country is strengthened with focus on identified national priority thrust areas. There has been a manifold increase in digital payments in the recent past. To give a further boost to digital transactions, I earmarked 1,500 crores for a proposed scheme that will provide financial incentive to promote digital mode of payment. We will undertake a new initiative, National Language Translation Mission. This will enable the wealth of governance and policy-related knowledge on the internet being made available in major Indian languages. The new Space India Limited, a PSU, under the Department of Space, will execute the PSLV CS-51 launch, carrying the Amazonia satellite from Brazil, along with a few smaller Indian satellites. As part of the Gaganyaan mission activities, 4 Indian astronauts are being trained on generic space flight aspects in Russia. The first unmanned launch is slated for December 2021. Our oceans are a storehouse of living and non-living resources. To better understand this realm, we will launch a deep ocean mission with a budget outlay of more than 4,000 crores over 5 years. Then this mission will cover deep ocean survey exploration and projects for the conservation of deep sea biodiversity. I come to the sixth pillar, Honorable Speaker, minimum government, maximum governance. Honorable Speaker, sir, this is the last of the 6 pillars. This will outline plans for reforms in one of our core principles of minimum government, maximum governance. We have taken a number of steps to bring reforms in tribunals in the last few years for speedy delivery of justice. Continuing with the reforms process, I now propose to take further measures to rationalize the functioning of tribunals. We have introduced the National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in Parliament. National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in the Parliament. With a view to ensure transparent and efficient regulation of 56 allied healthcare professionals. Additionally, to bring about transparency, efficiency and governance reforms in the nursing profession, the National Nursing and Midwifery Commission Bill will be introduced by the government for passing. To have ease of doing business for those who deal with government or CPSEs and carry out contracts, I propose to set up a conciliation mechanism and mandate its use for quick resolution of contractual disputes. This will instill confidence in private investors and contractors. Honorable Speaker, sir, the forthcoming census could be the first digital census in the history of India. For this monumental milestone marking task,
I have allocated 3,768 crores in this year, 21-22. Honourable Speaker, Goa is celebrating the Diamond Jubilee year of the state's liberation from Portuguese rule. From the Government of India's side, I propose to grant 300 crores to the Government of Goa for the celebration. किसानों का आंदोलन लगातार जारी है. इसी बीच अन्नदाता आज भी दिल्ली बॉर्डर पे जमे हुए हैं और आज बजट भी पेश हो गया इस दौरान, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को बजट में कृषि पर फोकस रखना चाहिए था, सरकार को कृषि उपकरण पर टैक्स हटाना चाहिए था, इसके साथ ही कृषि उपकरणों पर सब्सिडी किसानों को देनी चाहिए थी. तो वहीं किसान आंदोलन के बीच अन्नदाताओं की नजर आज के बजट पर ही रही. उन्होंने पूरी बजट को भाषण अपने फोन पर देखा. हालांकि सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां इंटरनेट अभी भी ठीक नहीं काम नहीं चल रहा है, वहां पे यहां देखने में काफी दिक्कतें हुई किसानों को. दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस में लगाए गए बैरिकेटिंग के चलते कई दिल्ली नोएडा बॉर्डर यानी चिल्ला बॉर्डर पर भी लंबा जाम देखने को मिला. पुलिस ने दिल्ली जाने वाले हर मार्ग पर जबरदस्त बैरिकेटिंग कर रखी थी और साथ ही वाहनों को संघना से जांच भी कर रही थी. इसका कारण है कि किसानों को वो ऐलान जिससे उन्होंने 1 फरवरी यानी आज के दिन ही संसद का घेराव की बात कही थी, हालांकि बाद में अपने इस ऐलान पर किसानों ने वापस ले लिया था, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद से पुलिस को उन पर भरोसा नहीं है. इसके चलते हर रास्ते पर बैरिकेटिंग बहुत ही तगड़ी लगाई गई थी और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, एनसीआर में भी कई इलाकों में लंबा जाम देखने को मिला. किसानों का आंदोलन लगातार जारी है. इसी बीच आज बजट पेश किया गया, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने सरकार को बजट में कृषि पर फोकस रखना चाहिए की बात कही थी. उन्होंने सरकार को कृषि उपकरण पर टैक्स हटाना चाहिए था, उन्होंने कहा. इसके साथ ही कृषि उपकरणों पर सब्सिडी किसानों को देनी चाहिए थी. तो वही किसान आंदोलन के बीच अन्नदाताओं की नजर आज की बजट पर ही रही. उन्होंने पूरी भाषण को अपने फोन में देखा. हालांकि इंटरनेट की काफी असुविधा रही, लेकिन इसके वजह भी किसानों ने इस पूरे भाषण को फोन में देखा. उन्होंने बजट के कारण दिल्ली एनसीआर में जहां इंटरनेट अभी तक काम नहीं कर पाया है, वहीं पुलिस ने लगाए गए बैरिकेटिंग भी लगाई गई. इस दौरान पुलिस ने दिल्ली वाले मार्ग पर जबरदस्त बैरिकेटिंग लगाई दी और साथ ही वाहनों की जांच भी कर रही है. इसके कारण किसानों का ऐलान किया था कि 1 फरवरी को यानी आज के दिन ही वो संसद का घेराव करेंगे, हालांकि बाद में इस ऐलान को किसानों ने वापस ले लिया. लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद से पुलिस को किसानों पे भरोसा नहीं है. इसके चलते हर रास्ते पर बैरिकेटिंग बहुत ही लगा दी गई है, जिसके चलते आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन फिर शुरू हो गया है. गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हुजूम उमड़ रहा है. इसकी बड़ी संख्या में पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिला के आने वाले किसानों की है. आपको बता दें कि 26 जनवरी की घटना से पहले ही गाजीपुर पर पंजाब और उत्तराखंड के किसानों की ज्यादा संख्या थी. इसके कुछ लोग ही उत्तर प्रदेश से थे, लेकिन अब माहौल बदल गया है. सिख समुदाय ने लोगों के साथ यहां बड़ी संख्या में वेस्ट यूपी किसानों भी मौजूद रहे. जानकारी के मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय मेरठ, मुजफ्फरपुर, शामली, सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ से बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं. शनिवार को शामली और सहारनपुर जिले में कई किसान गाजीपुर पर ट्रक में राशन लेकर पहुंचे. किसान अपने साथ चावल, चीनी, दाल, चाय पत्ती जैसी खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे. इस समय बॉर्डर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों एक बड़ी तादाद मौजूद है.
दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से किसान वहां पहुंचे हैं। 26 जनवरी की घटना के बाद से गाजीपुर पर पंजाब और उत्तराखंड के किसानों की ज्यादा संख्या देखने को मिल रही है। इसमें कुछ लोग ही उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन अब माहौल बदल गया है। सिख समुदाय के लोग के साथ यहां बड़ी संख्या में वेस्ट यूपी के किसान भी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर से इस समय मेरठ, मुजफ्फरपुर, शामली, सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। शनिवार को शामली और सहारनपुर जिले से कई किसान गाजीपुर ट्रक में राशन लेकर पहुंचे। किसानों ने अपने साथ चावल, चीनी, दाल, चाय पत्ती जैसी खाद्य सामग्री लेकर वहां पहुंचे। अन्नदाताओं का आंदोलन लगातार जारी है। दो महीने से ऊपर हो गए, अन्नदाताओं का आंदोलन अभी भी जारी है। इसको लेकर अब गाजीपुर बॉर्डर पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। किसानों का एक हुजूम देखने को मिल रहा है। अब किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं। 26 जनवरी की घटना के बाद से गाजीपुर पर पंजाब और उत्तराखंड के किसानों की ज्यादा संख्या देखने को मिली है। इसमें कुछ उत्तर प्रदेश के भी हैं, लेकिन अब माहौल बदल गया है। सिख समुदाय के लोग ने साथ एक बड़ी संख्या में वेस्ट यूपी के किसान वहां पहुंचे हैं। इस दौरान किसानों ने अपने साथ खाद्य सामग्री भी वहां लेकर पहुंचे हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसको लेकर किसान अब गाजीपुर बॉर्डर में देखने को मिले। सिंधु, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर अब 2 फरवरी तक इंटरनेट नहीं चलेगा। अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्रालय के आदेश पर किसान विरोध स्थल पर इंटरनेट सेवाओं को निलंबन को मंगलवार रात से बंद कर दिया गया है। तीनों बॉर्डर के अलावा जहां पर किसान नए कृषि कानून के खिलाफ नवंबर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके निकट क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 31 जनवरी की रात से 11 बजे से 2 फरवरी की रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। गृह मंत्रालय ने एक अधिकारी से कहा कि यह निर्णय सार्वजनिक सुरक्षा के बनाए रखने के लिए लिया गया है। आपको बता दें कि तीनों बॉर्डर पर और उनके आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। 29 जनवरी की रात से 11 बजे से ये लगाया गया है, जो 31 जनवरी कि रात तक 12 बजे तक प्रभारी रहेगा। वही 26 जनवरी को भी किसानों को ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई थी, जिसके दौरान इंटरनेट सेवा अब बंद कर दी गई है। दुनिया भर में कोरोना के चलते सब कुछ थम सा गया है। वहीं वैश्विक महामारी के कारण कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए और छात्रों के संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू के कॉलेज बंद कर दिया गया है। लेकिन अब एक बार फिर से अब कॉलेज खुलने वाले हैं, जिसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने अधिसूचना और गाइडलाइन जारी किया है। आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी नई अधिसूचना और गाइडलाइन में ये घोषणा की है कि जो विश्वविद्यालय के कॉलेज अध्याय केंद्र और विभाग आज से ऑफलाइन कक्षाओं के लिए फिर से खुलेंगे। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए अनुसार फिलहाल केवल आखिरी साल के छात्र ही कक्षाओं के लिए परिसर में जा सकेंगे। दुनिया भर में कोरोना के चलते सब कुछ थम सा गया था और अब वैश्विक महामारी कोरोना के फैलने से रोकने के लिए, छात्रों का संक्रमण से बचने के लिए सब विश्वविद्यालय वगैरह, सब कॉलेज वगैरह बंद कर दिया गया था। अब लॉकडाउन के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू के कॉलेज भी बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब फिर से ये कॉलेज खुलने वाले हैं, जिसको लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय ने अधिसूचना और गाइडलाइन जारी की है। आपको बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय में नई अधिसूचना और गाइडलाइन की ये घोषणा की गई है। विश्वविद्यालय में कॉलेज अध्ययन केंद्र और विभाग आज से ऑफलाइन कक्षाओं के लिए फिर से खुलेंगे। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार फिलहाल केवल आखिरी साल के छात्र ही कक्षाओं के लिए परिसर में जा सकेंगे। को
दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड से ठंड पड़ रही है और ठंड से अभी अगले कुछ और दिनों तक राहत नहीं मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगर अगले कुछ दिनों तक सुबह कोहरा छाया रहेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में 2008 से जनवरी के महीने तक सबसे ज्यादा शीत लहर देखने को मिली थी। वहीं इससे पहले 2008 में 12 ऐसे दिन रिकॉर्ड किए गए थे। इस दौरान मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 2020 और 19 में मात्र एक शीत लहर दिन है, जबकि जनवरी 2013 में 6 शीत लहर दिन दर्ज किए गए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में रविवार को न्यूनतम पारा 3.1 डिग्री तक था। पिछले एक हफ्ते में रविवार शीत लहर का चौथा दिन रहा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस समय और ठंड से अगले कुछ और दिनों तक राहत नहीं मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान अगले कुछ दिनों तक सुबह कोहरा रहने की संभावना जताई है। आपको बता दें कि दिल्ली में 2008 से जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा शीतलहर देखने को मिली है। वहीं इससे पहले 2008 में 12 ऐसे दिन थे जिसमें रिकॉर्ड कायम किए गए थे। इस दौरान मौसम विभाग ने क्षेत्रीय केंद्र में प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 2020 और 19 में मात्र एक शीतलहर का दिन था, जबकि 2013 में 6 शीतलहर के दिन दर्ज किए गए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में रविवार को न्यूनतम पारा 3.1 डिग्री रहा। पिछले एक हफ्ते में रविवार शीतलहर का चौथा दिन रहा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा रहने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दिल्ली एनसीआर की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस।